हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज हम लोग जाने वाले हैं, यहीं करीब कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है एक ज्योति पहाड़ी, वहां हम लोग जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बनाएगा। हाईवे से घुस गए हैं जंगल के रास्ते में और लगभग 10 किलोमीटर और आगे जाना है हम लोग को। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। सो गाइस, चैनल इसका है बट कहीं ना कहीं मेरा भी है। सो गाइस, ये जो जगह है, क्या है जगह, मेरे को जो भी है जगह है, यहाँ पे आएंगे हम लोग रात को, चैलेंज देखते कुछ करेंगे रात को आके। रात को बहुत यहाँ पे भूत निकलता है रात को। सो चैलेंज है, यहाँ भूत निकलता है और हम लोग आएंगे भी, देखते हैं आज भूत से सामना होता है या नहीं। क्योंकि ये जो रोड हम लोगों ने सुना है कि ये बहुत ही मतलब खतरनाक है, इस एरिया में ज़्यादातर बहुत से मतलब क्या बोलते हैं, अनोखी घटनाएँ हो चुकी हैं। तो देखते हैं रात को क्या होता है। तो अभी जहाँ जा रहे थे उस रास्ते में निकलते हैं और ये सनसेट होने वाला है और गजब का वाइब दे रहा है और जंगल में हम लोग जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये है हमारा प्रोफेशनल कैमरामैन। वाह क्या है भाई, ये व्यू हम लोग दोनों तरफ से दिखाएंगे, उधर का व्यू इधर का व्यू। और हमारा कैमरामैन बोल रहा है कि ये सीन नहीं दिखाया जाए, बट हम लोग इधर से वेरी गुड कर रहे हैं। ये सीन पता नहीं कहाँ है, पीछे ही रह गया कुछ पता नहीं उन लोग का। और ये भाई इधर ला, देख ये देखते कैसा दिख रहा हूँ मैं, अच्छा दिख रहा ना भाई। गजब यार, दो तीन लड़कियाँ ऐसी, क्या बोला तूने? गजब यार, दो तीन लड़कियाँ ऐसी। अरे नहीं, झूठ बोल रहा। और हम लोग पहुंच चुके हैं और जो मंदिर है वो ऊपर है उस पहाड़ के, इसका रास्ता यहाँ से जाता है और इस रास्ते से आगे जाते हुए भी उधर भी एक रास्ता है, लेकिन हम लोग यहाँ से आए क्योंकि हमारा पास इधर से हुआ, उधर से आने से हम लोग उधर जाते हैं। और हम लोग वेट कर रहे हैं वो जो दोनों मुने थे, एक हमारे सरदार जी जिनका नाम गोविंद है, वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, अब आएगा वो लोग तो ही पता चलेगा। तो वेट करते हैं वो लोग, अगर ब्लॉग देख रहे हैं भाई ऐसा कर दिया, इसको कट कर दूंगा। नहीं नहीं, कट क्या, डरते क्या भाई, डरता नहीं है ना वो, उस सरदार से नहीं डरता ना भाई, ठीक है ये डर। और ये दो नमूने इतने देर बाद अभी आ रहे हैं। हाँ गौरव भाई कुछ बोल रहे थे ना सर, गौरव भाई क्या बता रहे थे आप गोविंद का आने के बाद, कुछ बताएंगे बताइए तो, क्या बताने वाले थे आप? डर गया, हो गई बस, हवा निकल गई। बहुत अच्छे हम लोग के साथ आते हैं तो क्या बोलता है, ये यही है वो बंदा, इसी को मैं बोल रहा था, इसी को भाई। दो, क्या? पलट गया भाई। भाई
उसने अम्मी का कसम खाया, उसको तुरंत उसका फोन आ गया, उसका मदद करके चल अपना माँ को फोन लगा। अच्छा लगा, अभी लगा था माँ फिर इस तरीके से। और हम लोग वो वहाँ ऊपर जा रहे हैं, वो जो ऊपर दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग जा रहे हैं और ये है, आजा आजा चलते हैं आजा। और हम लोग जा रहे हैं, चलो चलो। अरे लेके आ उसको, लेके आ यार, पीने वाला सामान लेके आओ, छोड़ो मत। तो ऊपर जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। और भी कुछ है हिडन ब्रेकिंग, उसको हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। नीचे में अरे रहने दीजिए, उसको मत ही दिखाइए, अच्छा रहेगा। सीधा लटका रहता है ये पहाड़ जिस पे हम लोग खड़े हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये पहाड़ है। और यहाँ से व्यूज देखिए आप भाई, इसके बाद ना मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर वहाँ एक पुल है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे चलते हैं। इसके बाद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, वहाँ एक पुल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ चल के नहाते हैं ना, मजा आएगा। नदी है, वहाँ एक नदी है, उधर भी जाएंगे। और यहाँ का व्यूज देखिए आप लोग, व्यू मतलब गजब का ही व्यू आ रहा है। और इसके लिए इधर से नीचे भी उतरना पड़ेगा, मतलब बहुत घूम, उधर से चढ़ें और यहाँ से उतरेंगे। मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है पहाड़ के सबसे ऊपर। और हम लोग ऊपर के लिए जा रहे हैं, यहाँ से नीचे उतर के उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। ये जा रहे हैं नीचे, होगा भाई एक दिन में एक मिलियन। क्या बोल रहा है? एक दिन में एक मिलियन होगा भाई, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। पहला ब्लॉग है भाई, हाँ इसीलिए ट्राई है वाला, आएगा
5 मिलियन तक। अरे भाई हमारे व्यूअर्स जरूर साथ देंगे, लेकिन सब्र करो थोड़ा, सब्र मीठा होता है। अरे वो जो टोपी वाला लड़का है उसको इतना जल्दी बताओ, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज किसका होता है भाई? मतलब ऐसे हो सकता है किसी का भी? बस एक जन कैसे हो सकता है? हाँ किसका? एक जन का। किसका? सौरभ जोशी का भाई का। अच्छा सौरभ जोशी का ब्लॉग, हाँ मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से, सौरभ जोशी का ब्लॉग में आप लोग क्या देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सौरभ जोशी का ब्लॉग में क्या देखते हैं भाई। मेरे को तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं मिला कि देख के जिसको मजा आए। जिसका 10 मिलियन कंप्लीट हुआ है। अरे भाई तो क्या देखते हो? अच्छा एक मिनट हाँ रोहन जी आप बताइए, उसके ब्लॉग में आप देख के क्या एंजॉय करते हैं, क्या देखते हैं बताइए थोड़ा, क्या देखते हैं उसका, क्या अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसका 8 बजे ब्लॉग आता है, मैं 8 बजे ही देखता हूँ। क्या देखते हैं आप उसका ब्लॉग में बताइए? अच्छा लगता है। क्या देखते हैं उसका ब्लॉग में, आप देखते क्या हैं? फैमिली ब्लॉग भाई, कुछ मजा आने लगे, कुछ तो होगा मजा हो जब। ये देखिए ये हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा पेटू है, जिसके हाथ में अगर खाना दे दिए तो खाता है। देखिए स्प्राइट खोल के पिया, इतना सारा कुरकुरे उसका अकेले का है, वो देना भी नहीं चाहता। वहाँ ऊपर जाने वाले से पर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ शायद पहाड़ टूटा है, एक अंकल ने हमें मना किया वहाँ जाने से, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। अब चलेंगे वो जो हाँ जो पुल था वहाँ शायद हम लोग जाएंगे। ये कुछ अंकल ने मना किया जी मत जाओ, क्रेक आया हुआ है तो इसीलिए हम लोग ने अंकल का बात माने, इसे देख के बोल दिया। अंकल ने इसे देखा और कहा कि ऊपर मत जा पहाड़ टूट जाएगा। भाई मेरे को अभी समझ में आया, गजब बेइज्जती है भाई। अंकल ने क्यों मना किया था? सुनिए अंकल ने मेरे को अकेले को मना किया, हाँ। चारों क्यों नहीं किया? हम लोग बोले ये नहीं जा रहा इसलिए हम लोग नहीं गए। और तो फाइनली ज्योति पहाड़ी का ब्लॉग यहाँ खत्म, अब हम लोग पूल साइड ही जाएंगे। यहाँ जो था दिखाई दिया और बहुत कुछ यहाँ था जो नहीं दिखाया, लेकिन रात होने वाला है और हम लोग को जाना भी है 20-25 किलोमीटर दूर घर, और हम लोगों ने घर वालों को भी नहीं बोला है। सर्दी